जिन लोग का भी IBSA का सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू है वो लोग के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेरा मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की थी जिसका सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली में उसका इंटरव्यू हुआ था अभी प्रीवियस डे में ही, तो उससे मैंने पूछा था तो सब उसने बताया है कि हाँ जैसे भी बहुत लोग को डाउट है कि हाँ डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो जाना नहीं इंटरव्यू में बाहर कर दिए जाएंगे या इस तरह का कोई भी जिसको डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो उसके कह रहे थे कोई लोड नहीं लेना है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू से बाहर नहीं करेंगे आपको और उसके बाद आपको टाइम प्रोवाइड करेंगे कि हाँ आपको इतना टाइम दिया जाता है 10 दिन का या 15 दिन का जितना भी आप स्वयं से बात कर लेते हैं, तो उस क्रूशियल टाइम में आपको सेंड करना होगा। जैसे वो बताएंगे मेल ID पे या जो भी प्रोवाइड करेंगे आपको नंबर पे उस पर आपको सेंड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट का आप कोई भी टेंशन ना लीजिए, डॉक्यूमेंट को जिसका आपको इंटरव्यू से बाहर नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद रहा इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो इंटरव्यू में नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं आपके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, मतलब कि आपका पहले सबसे पहले इंट्रो लेंगे, जो इंट्रो आप बताएंगे वहीं से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जैसे आपके पापा क्या करते हैं मम्मी क्या करते हैं आपका इंटर कहाँ से किया ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और मान लीजिए इतना ग्रेजुएशन में गैप है वो क्यों है, आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। और आपके जैसे करंट जो सिटी है आपके जैसे जहाँ से भी मैं जैसे लखनऊ का रहने वाला हूँ तो लखनऊ से सांसद कौन है, यहाँ से विधायक कौन है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और अपोजिट में जो हारा है वो कौन था, यहाँ के DM हो गए SP हो गए, और यहाँ का थोड़ा हिस्ट्री कि जैसे लखनऊ कैसे बना कहाँ से बना और यहाँ का जो कोई भी पॉपुलर इशू होगा जो सबसे ज़्यादा इशू दिक्कत होती हो सबको जो सबसे ज़्यादा फेमस हो वो पूछ सकते हैं, और ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। और इसके अलावा अगर आप जैसे पूछेंगे आपसे कि हाँ जैसे अभी मणिपुर वायलेंस हुआ था अभी इस टाइम सबसे करंट में देखिए कनाडा वाला इशू चल रहा है, कनाडा इंडिया के रिलेशन बिगड़ रहे हैं, वो एक आतंकवादी की हत्या मतलब आतंकवादी नहीं था वो आतंकवादी हत्या कर दी उसकी वजह से वो इशू चल रहा है। और दूसरा हो गया देखिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी कुछ दिन पहले तो वही पूछ सकते हैं, इससे पहले अभी NRC आया था वही पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से प्रिपेयर होकर जाएँ कि हाँ थोड़ा करंट के इशू आते हों आपको और बाकी आपको करंट जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें सारी आती हो। इसको जैसे 9 बजे बुलाया था तो मतलब तो उसने बताया 100 लोगों को बुलाया गया था एक शिफ्ट में और सभी को सबसे पहले डॉक्यूमेंट होते हैं 9:30 तक एंट्री हो गई, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं एक करके, वो सब चेक करने के बाद फिर ग्रुप बना देते हैं 4-4 लोग का या 5-5 लोगों का, उनको फिर नेक्स्ट बिल्डिंग में भेजते हैं सामने जैसे जहाँ पे बोर्ड मेंबर बैठे होते हैं वहाँ पे बोर्ड मेंबर कई रूम में बैठे थे मतलब 2-3 रूम में, तो वहाँ पे 4-4 लोग को बना के भेज दिए, फिर वहाँ से एक एक को वहाँ जहाँ पे पैनल बैठा होगा 5 लोगों का पैनल बैठता है उसमें 5 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे और जो भी क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ एक एक करके 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू चलेगा आपका, तो ज़्यादा परेशान ना हो और फॉर्मल अपना नॉर्मली कपड़े पहन के जा सकते हैं, फॉर्मल शर्ट पैंट शूज़ ब्लैक शूज़ और टाई आपका अगर मन है तो लगा लीजिए वरना इतना कोई वो नहीं है, और बाकी डॉक्यूमेंट का भी ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना है, बस इंटरव्यू पर ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस बस अपना वो रखना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू आप अच्छे दीजिए अच्छे नंबर लाइए सिलेक्शन होता है। बाकी मेरा भी 30 तारीख को यहीं लखनऊ सब्सिडरी लाइन्स में मेरा भी इंटरव्यू हो, जैसा भी होगा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थैंक यू।